नमस्कार, मैं हूं अलीशा और आप देख रहे हैं दिलोक नीति। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में बुधवार दोपहर को प्रदर्शनकारियों ने बुर्का पहनकर पहुंची एक हिंदू महिला को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि महिला उनसे अजीबोगरीब सवाल कर रही थी और अपनी गलत और पहचान बता रही थी। शाहीन बाग में मौकाए वारदात में मौजूद लोगों का मानना है और कहना भी है कि दोपहर 1 बजे के करीब बुर्का पहनी एक महिला शाहीन बाग पहुंची और प्रदर्शनकारियों के बीच में बैठकर इस प्रदर्शन की आवश्यकता पर सवाल उठाने लगी। प्रदर्शनकारियों द्वारा महिला पर संदेह होने के बाद उन्हें पकड़ लिया गया। महिला ने कहा कि उन्हें केजरीवाल ने यहां भेजा है। सवाल जवाब करने पर महिला अपने बयान बदलने लगी। महिला की तलाशी लेने पर उनके पास से एक खुफिया कैमरा बरामद हुआ, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उनसे पूछताछ की। इस पर महिला ने खुद को एक पत्रकार बताया। जब प्रेस कार्ड मांगा गया तो उन्होंने अपना पहचान पत्र दिखाया, जिसमें उनका नाम गुंजा कपूर लिखा था, जबकि महिला पहले उन्होंने अपना नाम बरखा बताया हुआ था। इसके बारे में पूछने पर महिला ने सुरक्षा का हवाला देकर पहचान छिपाने और बुर्का पहनने की बात कही, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस यानी कि मौके पर पहुंची महिला कांस्टेबल उसे ले जा रही थी, तो महिला ने एक पुलिसकर्मी की ओर इशारा करते हुए कहा, विजय सर मुझे बचाइए। बता दें आपको कि वहां पर मौजूद लोगों के मुताबिक वो महिला की 3 से 4 साथी भी थे। जो महिला पकड़ी गई और पकड़े जाने के बाद फरार हो गए उसकी तीनों और चारों साथी। पुलिस ने बताया कि महिला की पहचान गुंजा कपूर के तौर पर की गई है। उसने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर खुद का परिचय यूट्यूब चैनल राइट नैरेटिव के संचालक के तौर पर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ट्विटर पर गुंजा कपूर को फॉलो करते हैं। वो अक्सर भाजपा के समर्थन में ट्वीट करती हैं और पार्टी के नेताओं के साथ फोटो भी है। इस तरीके से महिला का अपना बयान बदलना कि वो केजरीवाल ने उन्हें भेजा है, साथ ही जिसके बाद एक और बात निकलकर सामने आती है कि प्रधानमंत्री मोदी के ट्विटर हैंडल से उन्हें फॉलो किया जाता है, इन सब बातों का कुछ ना कुछ कनेक्शन तो बनता ही है। फिलहाल पुलिस के हिसाब से और पुलिस की जानकारी के मुताबिक और जांच के मुताबिक सिर्फ इतनी ही बातों का पता लगाया जा सका है कि महिला का नाम गुंजा कपूर है और वो भाजपाओं के बारे में यानी कि भाजपा भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में बहुत सारी बातें लिखती और ट्वीट करती रहती हैं और नरेंद्र मोदी उन्हें ट्विटर पर फॉलो भी करते हैं। अब इसके आगे की जानकारी और आगे का कनेक्शन शायद कुछ वक्त बाद निकलकर सामने आ जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए दिलोक नीति के साथ।